नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पचियाला। आपको बताते चलें, जिस तरह से 2018 को हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जितने भी एनएचएम के अंडर आयुष डॉक्टर्स की बात करें, उनको एमबीबीएस जितने भी जो लोग एमबीबीएस हैं उनकी जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी आयुष में जितने डॉक्टर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उन्हें इतनी मिलनी चाहिए। आखिर अब सवाल ये उठता है, आखिरकार जो 2018 का हाई कोर्ट का ऑर्डर था और आज 2021 चल रहा है, तो अभी तक इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? आखिर किसकी साजिश थी? क्या कोई रोक थी? क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना करना एक काफ़ी बड़ा सवाल जो है सामने आता है। आज सुनील सिंह कंबोज द्वारा भी एक पत्रकार वार्ता की गई है जो कि स्वाभिमान संगठन के डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सुनील जी, पहले तो आपका शेष समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल जी। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 2018 में एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें एक स्पष्ट किया गया था कि एनएचएम में जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं, चाहे वो आयुष के अंडर हों चाहे आयुर्वेदिक कैटेगरी के हों, उन्हें एमबीबीएस वालों को जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए। पर अभी तक 2021 चल रहा है, 3 साल हो गए, अभी तक इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्या वजह मानते हैं? देखिए स्वप्निल जी, इस चीज़ को ना बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। इन लोगों ने आयुष्मान भारत की स्कीम निकाली जिसमें इन्होंने जम्मू प्रोविंस में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और कश्मीर से यूनानी डॉक्टर्स और पूरी स्टेट से इन्होंने जीएनएम डिप्लोमा होल्डर्स और बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स उठाए और उन्हें रिक्रूट करा। जब इनकी रिक्रूटमेंट हुई तो इनकी सैलरी जो डिसाइडेड थी वो निकाली इन्होंने बेसिक सैलरी 25,000 और उसके साथ साथ 15,000 रुपये का इंसेंटिव पर मंथ, जो कैलकुलेट किया जाए कंबाइन किया जाए तो 40,000 रुपये प्रति माह की उनकी इनकम बनती थी डॉक्टर्स की, MLHP ये पोस्ट इन्होंने निकाली। तो पहला सवालिया चिन्ह ये है कि आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं कि MLHP आपने पोस्ट निकाली जिसमें आपने डॉक्टर्स भी रिक्रूट कर दिए, GNM भी रिक्रूट कर दिए, BSc नर्सिंग भी रिक्रूट कर दी। ये तो वही बात हो गई ना, अब जिस तरह आप ही की मैंने खबर देखी थी कि यहाँ पे हमारी ही ज़िले में तो हमारी DM साहिबा और हमारी जो SSP मैम हैं इनके बीच में शायद कुछ कन्फ्लिक्ट है इनकी डेजिग्नेशन को लेके। तो स्वप्निल जी मुझे बताइए कि अगर इनमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है तो भाई वो जो ऑलरेडी आप समझिए कि डॉक्टरेट और नर्सिंग में कितना फ़र्क है, तो आपने एक ग्रेड पे कैसे ले लिए ले आए उनको? तो मतलब फिर बच्चा पढ़ेगा क्यों, वो मेहनत करके डॉक्टरेट क्यों करेगा? तो क्या ये हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ नाइंसाफी नहीं है? उनकी प्रोटोकॉल और उनकी प्रेस्टीज पे ये आघात नहीं है? तो पहला सवाल ये। दूसरा जो सवाल यह चिन्ह स्कीम पे पड़ता है कि 15,000 रुपये इन्होंने इंसेंटिव बोला था कि हर महीने दिए जाएंगे, पूरे स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया वो दिए जा चुके हैं, पंजाब जहाँ पूरा पदरा पदरा है, हरियाणा उनमें डोगरी गलांग सब पदरा यहाँ फर्स्ट क्लास इजी टू अप्रोच, तो साढ़े इधर इन्हें केड़ी मौत पे दी है, 15,500 जो इंसेंटिव है थोया ही नहीं जनाब कुछ, नॉट इवन अ सिंगल डॉक्टर एक बंदे को नहीं दिया, सेंटर ने वो पैसा रिलीज किया इनको मगर वो पैसा डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचा, वो पैसा गया कहां? तो दूसरा सवाल यह चिन्ह है कि जनाब पैसा छड्या कुछ उसे, मतलब कुछ तो रखे होना ना, मतलब इलेक्शन कराई DDC वाली इधर वाली कराई, बंगाल वाली लड़ी, वो BJP के बड़े बड़े जो बंगले बने हैं ऑफिसेस जिन्हें कहते हैं वो किया ठीक है, या फिर मतलब इनके BJP के जो वो उनके लीडर्स हैं उनकी जो ऐश परस्ती है वो उस पैसे से चली, या भाजपा ने कोई मिलिटेंट ग्रुप नवा बनाया है ठीक है, या भाजपा ने कोई धर्म पुण्य का काम किया ठीक है, मंदिर मस्जिद बनाई, कोई शतीर लगाई, क्या किया उस पैसे का? तो उस पैसे को जानने का हक हम सबको है, और वो पैसा इनका नहीं है, इनका नहीं है, इनकी पार्टी का नहीं है, इस गवर्नमेंट का नहीं है, वो उस डॉक्टर्स का है जो डॉक्टर्स
आज दूर दराज के इलाकों में इनके लिए सेवा कर रहे हैं लोगों की, वो उनका पैसा है। तो मैं आज आपके माध्यम से इनको कहूंगा कि अधर्मियो पिख मंगी लानी ही वो सारे डोगरे ना उन्हें इं दान दू ना उसे ना इंसाफी किसी ग्रह ने स्कैम किसी ग्रह ने पैसा पिक। कहीं सुनने में ये भी आया था, सुनने में क्या ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो MBBS स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कोरोना पैंडेमिक में कहा जा रहा है कि आप भी जो हैं सेवा में आए। क्या अगर उनकी किसी की भी स्टूडेंट की इस कोरोना पैंडेमिक में खुदा ना खास्ता जान जाती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? देखिए स्वप्निल जी, अभी मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपका हाईकोर्ट वाला जवाब देता हूँ। फिर इसके बाद जब इनकी रिक्रूटमेंट की गई 2018 में, हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि जनाब डॉक्टर चाहे आयुष्मान का हो चाहे राष्ट्रीय बाल सेवा कार्यक्रम का हो, चाहे वो आयुर्वेदिक है यूनानी है, डॉक्टर इज अ डॉक्टर। अगर देखो यही लोग बोलते हैं, यही गवर्नमेंट बोलती है कि आयुर्वेदा हमारी देश की थेरेपी है, तो फिर उनके साथ नाइंसाफी क्यों? उसमें और MBBS में फर्क क्या है? अगर वो हमारे देश की थेरेपी है, आप हर साल दो कॉलेजेस खोलते हैं, जब बच्चों ने एडमिशन लेनी होती है बड़ी अटैची मांग दो तुम डोनेशन के नाम पर, तो जनाब फिर सैलरी का डिफरेंस क्यों? फिर इसी के इस संदर्भ में हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको देखा और उसमें एक ऑर्डर पारित किया। मगर अफसोस ये नाइंसाफियों की सरकार है, इन्होंने वो ऑर्डर भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो 25 रही। और क्या वजह मानते कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट नहीं किया गया? ये समझते नहीं ना कुछ, ये बाटी जो है ना भाजपा, या बोले हम नहीं है सरकार में, सब पूरी दुनिया आवाम जानती है कि सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसकी। तो ये नाइंसाफियों की सरकार है, इनको पता ही नहीं है एक्चुअली इनको जनता के लिए करना क्या। ये निचोड़ रहे हैं कि जितना निचोड़ सकते हो तुम जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर से उतना लूट कसूट कर सकते हो उतनी कर लो। इन्होंने वो काम पकड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया, किसी ऑर्डर को ये मानते नहीं, बोलते हैं एक संविधान एक विधान एक निशान और एक प्रधान। जनाब जब सरकार में आए तो दो झंडों वाली गाड़ियों में बैठ गए, ठीक है, जब संविधान की बारी आई तो जनाब कौन सा संविधान ये मानते हैं, 370 गैर संविधानिक तरीके से इन्होंने तोड़ा, ठीक है, और गवर्नमेंट के हाईकोर्ट के ऑर्डर्स ये लोग मान नहीं रहे जो खुद गैर संविधानिक है। ये लोग पूरे गैर संविधानिक है, इनका जन्म गैर संविधानिक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो राजनीति में इनका जन्म हुआ है वो भी गैर संविधानिक है, क्योंकि इन्होंने संविधान का पालन कभी किया ही नहीं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा कि भाई DRDO की रिक्रूटमेंट, तो जनाब ये जेडे ऊन लाए देने पहले दे NHM, स्वप्निल जी 2005 में NHM की ये आई थी स्कीम, आज तक इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई। जनाब कैसे निकम्मे लोग आप लोगों ने अफसर बना दिए, वो 4 पेजों की पॉलिसी नहीं बनी, बेशर्मा तुमसे, कितने साल हो गए, 16 साल में 4 पेजों की, जनाब कोई 10वीं पढ़ता बच्चा लाई ना उन्हें भी बनाई नहीं। आप देखिए ना, जब इनकी पॉलिसी की बात आती है अफसरों की तो वो थे मतलब 10 मिनट तैयार है पॉलिसी, हाँ जब बाकी डिपार्टमेंट्स की बात आती है तो पॉलिसी नहीं, NHM की पॉलिसी नहीं है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो उनका हक है नहीं, वो नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं कि पूरे देश में अगर आज NHM स्ट्राइक पे उतर जाए, कितनी शरीफ जमात है, इनके साथ ना इंसाफी हो रही है मगर ये स्ट्राइक नहीं करते बेचारे, लेकिन अगर आज कर देना एक सिंगल दिन में मेडिकल सिस्टम विल कलैप्स, और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, एक सिंगल दिन में मेडिकल सिस्टम विल कलैप्स ऑफ द कंट्री, और इन लोगों की जो है ना पोल जो है खुल जाएगी सामने कि क्या है। मगर इन्होंने NHM के बारे में कुछ नहीं करना, उनके लिए पॉलिसी नहीं बनानी, उनके लिए कोई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की उनकी डिमांड को पूरी नहीं करना। NHM के एम्प्लॉयज इस समय पेंडेमिक दौर में काम कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल के, अपने परिवार की जान को खतरे में डाल के, कई लोग तो इसमें शहीद भी हो चुके, मगर उनके लिए या उनकी फैमिली के लिए कोई फ्यूचर पॉलिसी इनके पास है ही नहीं, आज तक बनी ही नहीं। और बेशर्मी की इंतहा तो तब हो गई जब इन्होंने DRDO में बोल दिया कि नौजवानों को कि आओ पेंडेमिक दौर में सर्व करो। ओ भाई जनाब, युद्ध के मैदान में भी जब इंडियन आर्मी को रिक्रूट किया जाता है ना, जब जंगों की स्थिति बनती है, वो भी 2 साले या साले के ही नहीं रख देना, वो भी परमानेंट करते हैं, दे डू हैव फैसिलिटीज। मैं इंडियन आर्मी की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर उसके साथ साथ डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत इज्जत करता हूं जनाब, वो भी तो लड़ ही रहे हैं, उनकी भी तो जान पे रिस्क है, मरा खाली गोली खा के थोड़ी जाता है, बीमारियां भी मारती हैं बंदे को,
उनकी फैमिली को भी खतरा होता है। ये सरकार को समझ ही नहीं रही है, लोग बच्चों को बुला रहे हैं। आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने चरम तक ये लोग ले गए हैं कि बच्चों की भीड़ लगी हुई है वहां पे। इनका कोविड का प्रोटोकॉल कहाँ है, वहां कहाँ पे है प्रोटोकॉल? कोई प्रोटोकॉल नहीं माना इन लोगों ने, कोई इन्होंने रिसीविंग नहीं दी ढंग की, और उनको बोला कि आप आओ सर्व करो, अगर जिंदा बच गए तब भी हम आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे। मतलब क्या है, अरे भाई डू यू हैव एनी सेंस ऑफ ह्यूमर? तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी अगर कल को किसी भी यूथ की, जो हमारे अब MBBS के स्टूडेंट जो काम करेंगे पेंडेमिक में, अगर खुदा ना खास उनकी किसी की भी जान जाती है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये जवाब तो अटल डुल्लू साहब देंगे ना, वो अटल डुल्लू साहब को पता होगा, लब्बे थोड़ी इनको दे कुदे गुआची दे उनके ते इश्तिहार पाना कि हाँ हमारे तो जलील हो ही दे। बड़ी बार असें बोलूड़िया डुल्लू साहब आओ निकलो नहीं खांदा तुसें ही करोना, वो बाहर फिरा लोग भी ते फिरा दे, लोग भी ध्याड़ी ला दे, तुस भी ध्याड़ी लाई लो, कोई बाहरे निकलो कोई दिखो बच्चे ही, वो थोड़े भी ते हैं। और मैं आज आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे माननीय MP साहब वो भी डॉक्टर हैं, मतलब कितनी बेशर्मी है कि आज तक 7 साल के एक्टिव पॉलिटिकल कैरियर में जनाब MP साहब पैराशूट लीडर साहब को आज तक पता नहीं चला कि भाई आप खुद डॉक्टर हो मगर इंसाफ की कोई बात नहीं। हक इंसाफ तो इन्होंने शब्द ही नहीं सीखे हैं। अब बताओ ये सवाल किसको पूछ सकते हैं? गवर्नमेंट तो है नहीं, DDC को तो पता नहीं, पीछे कौन बचा? कमिश्नर सेक्रेटरी, वो अंदर बैठी था, वो बाहरें नहीं निकलता, उस डर के बड़ा वो मेरी का वो बाहरें निकले उसी पहले पहले नंबर करोना उसी चमकना, ठीक है क्यों? अधर्मी है पहले चमकना, ठीक है ये तो कर्मा है ना, कोविड से कर्मा गेम, तो पहले उसी को चमकेगा इसीलिए वो बाहर ही नहीं निकलता। अब किसको पूछोगे? हमारे MP साहब दिल्ली बैठे हैं, इधर पे बोल देते हैं अपने भाजपा के लीडरों को जाओ राशन बंटो, जाओ ए करो ओ करो। ओ भाई साहब थोड़े इन्हें बरकरे ही थोड़ी MP बनाया हा, तुसे ही बनाया हा, वोट तुसे ही दिता हा, कुछ ना ठीक है, कोई अच्छा गलत दसो, कोई दसो कुछ ना, मुझे बताइए ना। इस समय आपको चाहिए जैसे पब्लिक की डिमांड है, हम तो चलो नहीं मांगते, डोगरा स्वाभिमान संगठन अब इस चीज को बोलना ही बंद कर चुका है, पब्लिक क्राई है कि इस समय हेल्थ को अगर कोई संभाल सकता है तो राज्य का एक लौता हेल्थ मिनिस्टर जिसको 2 बार बेस्ट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट का अवार्ड पूरे देश में मिल चुका। तो भाई क्यों लोग ही मरा दे, जाइए उन्हीं के लिए, हम नहीं करेंगे राजनीति फ्री ऑफ कॉस्ट, और भाई ले आओ जनता दे बचाई लो उन्हें क्या वोट देना, ठीक है मरियांगन ते वोट भी गया पीके करके ये। और आप देखिए युवा पीढ़ी का कितना शोषण हो रहा है, पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बाद जब देखो लोगों टब्बर ते पालना ना, बच्चे टब्बर ते पालना, जब घर बैठा हुआ बच्चा है वो तो अपने आप में डीमोरलाइज हो रहा है ना, वो तो 15,000 की नौकरी पे भी जाएगा, उसको पता होगा गोली चल रही है मर जाऊंगा, बोलेगा कोई बात नहीं करें तो बाहर तो निकलगा नौकरी दे, लोग इज्जत देंगे कि भाई नौकरी करा जा, ये एक फैक्ट है। और आज आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट को मैं सब स्पष्ट चेतावनी देता हूं कि पहली चीज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क NHM के लिए, दूसरी चीज NHM के लिए जो आपने करनी है वो आपने करनी है कि NHM जो इंप्लॉयज हैं इनके लिए एक पॉलिसी को फ्रेम करो, तीसरी चीज जो इन लोगों ने इमीडिएटली करनी है वो जो इंसेंटिव्स हैं आयुष डॉक्टर्स के तुरंत रिलीज करो तुरंत, उसमें तो कोई डिले नहीं, अदरवाइज डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी कि वो पैसा गया कहां, वो तो एक स्कैम है ना, उसको तुरंत रिलीज करो। गवर्नमेंट के हाई कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने क्यों नहीं माना? और जब हमने 5 दिन पहले इनको 5-7 दिन पहले इनको मेमोरेंडम दिया तो उसके 5 दिन के बाद मेमोरेंडम देने के 5 दिन के बाद इन्होंने 12% की हाइक कर दी। मेरे पास लिखित में सबूत है जनाब, गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख UT इन्होंने NHM के डॉक्टर्स को मतलब 100% हाइक दी। मतलब क्या वो पहाड़ी इलाका है, क्या ये पहाड़ी इलाका नहीं है? और मैं आखना जेड़े बना देना स्कीम इन्हीं पैदल ले जाना सिजदार लाटी धूना बसंतगढ़, नहीं मरियान ना पैदल जिथे डॉक्टर काम करा दे मेरे ने गल करो, मैं शर्ती करने आखना मरियान प्राण दौड़ने, लेकिन नहीं उनके ते कोई हाइक नहीं। मतलब क्या कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ ये गवर्नमेंट कर रही है? एक सवाल करना चाहूंगा, आने वाले दिनों में भी जो गवर्नमेंट हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया जाता, आने वाले दिनों में भी नहीं किया जाता, तो किस तरह का निर्णय जो है स्वाभिमान संगठन लेगी? देखो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी कर्मबंधित है और प्रतिबंधित है जनता की सेवा के लिए, और हर किस्म के हर वर्ग के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए अपनी आवाज को रखने के लिए, ठीक है।
और मैं आज आपको बताता हूँ, हम उनको 2 हफ्ते का वक्त देते हैं इस गवर्नमेंट को कि ये सारी नाइंसाफियाँ बंद करें, डॉक्टर्स को उनका ग्रेड MLHP से हटा के उनको उनकी प्रतिष्ठा वापस दी जाए, उनकी इंक्रीमेंट दिया जाए, उनकी जो गवर्नमेंट हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको मान्य किया जाए, NHM के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का गठन किया जाए, को प्रिफ्रेम किया जाए, एक प्रॉपर पॉलिसी फॉर द फ्यूचर ऑफ द NHM एम्प्लॉयज, ऑल NHM एम्प्लॉयज शुड बी डन विद इमीडिएट इफेक्ट। इफ नॉट डन, अगर नहीं किया गया तो 14 दिन के बाद हम लोग इनके ऊपर लीगल एक्शन भी करेंगे, और हम अब इस बात की कोई परवाह नहीं करेंगे कि भाई ये अपना आपका डिजास्टर का एक्ट लगा हुआ है, क्या लगा है, जो भी लगा है लगाते रहो, हम लोग सड़कों पे होंगे, और इस बार आप लोगों का प्रतिकार पूरे जोर शोर से डोगरा स्वाभिमान संगठन की, पहली जो आपको शक्ल दिखेगी वो डोगरा स्वाभिमान संगठन की युवा वर्ग की दिखेगी। तो अपना बचाव आपके हाथ, आपकी प्रतिष्ठा आपके हाथ। और आपको मैं एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ, ये तो आ गया NHM, मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें जो हमारे इन्होंने अभी बोला था कि ये क्या कहते हैं कोविड वॉरियर्स। तो जनाब कोविड वॉरियर का मतलब क्या है, पेशेंट की रही है कोई जफी थोड़ी पानी होती है, म्यूनसिपैलिटी वाले नहीं है वॉरियर, उन्हीं बोलिए जेड़ा वो बंदे ही रूम साफ करा दा, बीमारी दे बीमारी है आगे पीछे सब जगह फिरा दी, रूम साफ कर रहे हैं ना, वो म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स कहाँ जाएंगे, वो कोविड वॉरियर नहीं, अन्य ही दे लबड़ा बंद हुई था बेसिकली, पूरी जिंदगी रहे अपोजिशन में, ठीक है, बड़ी मुश्किल से कहीं लूट घसूट का मौका इनको मिला है, तो जिस टाइम पैसा मदा आई है तो अन्य ही है साले, इन्हें आया कख नहीं है, अन्य ही दे इन्हें लबड़ा कख नहीं है। और मैं आप आज आपको इस आपके माध्यम से एक और चीज, अनवाइस उन बच्चों को आप टेस्ट करने के लिए भेज रहे, ठीक है कि आप जाओ टेस्ट करो, आप जाओ जगह जगह पे जाके सेंसस करो, ठीक है वैक्सीनेट करो, ठीक है, वो NYC वाला 2500 रुपये काम कर रहा है जनाब, लेबर ज़्यादा लेंदी 2500 रुपया, वो बच्चा के लिए 2500 पीछे शहीद कराने पीछे तुले दे लाओ उस मेरा मेरे दोस्त हैं जेडे NYC दे प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली भट्ट जी, और जनाब पूरी स्टेट की सबसे बड़ी भूख हड़ताल की इस संस्था ने, मगर उनके लिए आवाज़ नहीं उठी, उस इनको समझ ही नहीं आई। तो आप देखो NHM रो रहा है, NYC रो रहा है, म्यूनसिपैलिटी रो रही है, जनाब खुश कौन है, क्या मानते जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से क्यों इस तरह की हलचलें हो रही हैं, क्यों हर कोई रोने में तुला है, तो रोएंगे नहीं तो करेंगे। ये बेसिकली ना जब ये सरकार आई थी, आप इस चीज़ को समझो कि देश को मैं नहीं इस समय बोल सकता कुछ भी, देश में क्या हो रहा है वो उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेट में आप देखो ये 14 में आए, 14 में यहाँ पे फ्लड आ गया, ठीक है मैं ये नहीं बोलता इन्होंने लाया, लेकिन चलो भगवान ने पहले आगाह कर दिया कि आने वाला वक्त तुम्हारा बुरा होने वाला है। ये सारे लीडर भागे, कहाँ भागे, श्रीनगर कश्मीर जम्मू लभ्या, अब आप वोट ते 25 सीटा इतवा दीतियाँ उन लभियाँ, इधर नहीं आया कोई, इधर पे इनके फिर आला वो नेता नुता जो है डिस्ट्रिक्ट के बोलते हैं हमारे, हमें MP साहब ने बोला था फंड वो जाके ये बांट आओ तो वो बांट आओ, हमारे तो एक काम करो हाँ MP साहब तो क्या बनी आओ तो तुम्हें बढ़ना दे, जो काम जिसका है वो उसी को साजता है, मगर इनको पता ही नहीं ना। उसके बाद आप 16 में आ जाओ, 16 में नोटबंदी लगा दी, हमारी स्टेट तो 15 तक बंद ही थी ना, 16 में नोटबंदी होगी, 17 में GST लग गया, 18 में स्टेट तोड़ दी, 19 में अपना 18 में गवर्नमेंट तोड़ दी, 19 में स्टेट ही तोड़ दी, लाओ काड़ी में काड़ी, 20 में कोरोना आ गया अब तक चल रहा, तो हमारी स्टेट खड़ी कहाँ हुई, वो युवा वर्ग जाएगा कहाँ, नौकरियां इन्होंने नहीं दी, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे ये ले आए, इनकी स्कीमें गवर्नमेंट बैंक मना कर देते हैं ठोक के, लोन नहीं देते, बिजनेस खत्म ठप जीरो। आज की डेट में जो बिजनेसमैन जो रोटी खा रहा है ना, जो गरीब को जिनको उन्होंने घर बिठाया, आपको पता है किस्तें चल रही हैं, किस्तें बैंक कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, लोग डाका डालेंगे क्या करेंगे, मुझे बताओ ना कहाँ से देनी किस्त, वो आज बिजनेसमैन अपनी रास खा रहा है, रास जिससे उसने बिजनेस करना है, वर्किंग कैपिटल वो आज उसको खा के अपने गुजारा अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, मगर इस गवर्नमेंट के कानों तले झूमड़ी रेंग रही, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, और ये बड़ा मतलब निंदनीय है, और बड़ा अफसोस होता है कि इस प्रकार की गवर्नमेंट हम लोगों ने चुन के यहाँ पे रखाई हुई है, और बड़ा अफसोस है इस चीज़ का, लेकिन खैर जिन्होंने इनको वोट दिया है कुछ ना कुछ भुगतान तो सभी करेंगे, और उनके साथ क्या कहते हैं हम भी पिस रहे हैं साथ में, अगली बार तो कोई बात नहीं, हर इलेक्शन होनी है भी दोबारा, भी ले लाया वोट दिन देने इस बारी
जी धन्यवाद जी। तो ये थे सुनील सिंह कंपोज जी, जिस तरह से आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा कि सुनील सिंह कंपोज ने दी सरकार को बड़ी चेतावनी। आखिरकार वो चेतावनी आपने नहीं की, जुबानी से सुन ली कि आखिर क्या चेतावनियां थी कि अगर जल्द ही लगभग 2 से 3 दिनों में गवर्नमेंट हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो डोगरा स्वाभिमान संगठन सड़कों पर आएगा, लीगल कार्रवाई करेगा सरकार के खिलाफ। तो इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।